ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस नेता दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएम आवास तक कांग्रेस मार्च निकालने की तैयारी कर रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में लोकतंत्र नहीं है, इसके परिणाम भुगतने होंगे। आज देश में चार लोगों की तानाशाही है। हम महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हम उसे लेकर चर्चा करना चाहते हैं। हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है, संसद में चर्चा नहीं होती है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल का हमारा लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पर लड़ता है। जो देश की न्यायपालिका और मीडिया होती है उसके बल पर विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन आज ये सभी इंस्टीट्यूशन सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं। सरकार ने अपने लोग यहाँ बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का हर संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है। हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि अगर कोई विपक्ष को समर्थन करना चाहता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।